बात सभी को, मैं सोनिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग दो का एक पाठ जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम था और सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था। इधर भालू साहब सैर पर निकल आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी, आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई। आह फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही सारा मामला समझ गए, पछताई, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से अपने दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, दो बार, तीन बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में बड़ा मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह किस आफत में आ फंसा। बारहवीं बार उछलते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गए। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी वहां से 9-2-11 हो लिया और सोचा जान बची तो लाखों पाई। तो इस प्रकार ये एक कहानी थी जिसका शीर्षक आपको पता ही है, भालू ने खेली फुटबॉल। एक्चुअली भालू ने फुटबॉल नहीं खेली बल्कि फुटबॉल समझकर शेर के बच्चे के साथ खेला, शेर के बच्चे को किक किया, उसको उछाल दिया अपने पैर से, अपने टांग से, है ना। तो चलिए इसमें से हम कुछ कठिन शब्दों को छांट लेते हैं। तो सबसे पहले कठिन शब्द है हमारा फुटबॉल। फुटबॉल कठिन शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, फुट और बॉल, और दोनों ही इंग्लिश के वर्ड हैं। इसके बाद वक्त, वक्त होता है समय, ये भी हमारा कठिन शब्द मान सकते हैं हम इसको। गोल मटोल, कोई चीज़ गुलाई में उसको बोला जाता है। इसके बाद आता है नज़र, नज़र होता है किसी के ऊपर ध्यान जाना, दृष्टि पड़ना। एक होता है हासिल, हासिल बोला जाता है कोई चीज़ मिल जाना, कोई चीज़ प्राप्त हो जाना। तो ये कुछ यहाँ पे कठिन शब्द हैं, फुटबॉल, वक्त, गोलमटोल, नज़र, हासिल। अगले पृष्ठ पे देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये है हमारा पेज नंबर 2। अब इसमें जो हमें नवीन शब्द मिल रहे हैं वो है हड़बड़ी। हड़बड़ी होती है घबराहट में कोई काम करना। और एक जो नया शब्द हमें मिल रहा है या कठिन शब्द जो मिल रहा है वो है फुर्ती। फुर्ती होते तेजी से कोई काम करना, स्पीड में कोई काम करना, एक्टिव होकर कोई काम करना। तो हड़बड़ी और फुर्ती, यहाँ पे 2 कठिन शब्द हैं। तीसरा, इस पेज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कठिन शब्द हमें मिलते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है परेशान, किसी चीज़ को लेकर परेशान हो जाना, है ना, चिंता हो जाना। एक है आफत, आफत होता है मुसीबत। एक कठिन शब्द गायब भी हो सकता है, गायब हो जाता है, बिल्कुल खो जाना, गुम हो जाना, ओझल हो जाना, ऐसे वाला। तो यहाँ पे 3 है, परेशान, आफत और गायब। अब पृष्ठ है हमारा 4, इस पे हम देखते हैं हमें कौन कौन से ऐसे शब्द मिलते हैं जो थोड़े मुश्किल हैं। इसमें सबसे मुश्किल मुझे यही लगा था जिसको बोला गया है हर जाना। हर जाना होता है जुर्माना, तो हर जाना एक शब्द है जो थोड़ा यहाँ पर मुश्किल था, ठीक है। अब इसके बाद हम दोबारा से पहले पेज पे आते हैं। इस पाठ की खासियत है यहाँ हर पेज पे एक दो कहावत
डाली गई है। एक दो कहावत है, और कहावत होती है अपनी बात को अच्छे तरीके से कहना, उसे कहा जाता है कहावत। तो यहाँ जो मुझे पहले पेज में कहावत दिखी थी वो थी आंखें फैलाना और अकल दौड़ाना। ये एक कहावत है, कहानी है, मुहावरा है। इस कौन कौन से हैं, आंखें फैलाना और उसके साथ साथ अकल दौड़ाना, ये यहाँ पे है, आंखें फैलाना और अकल दौड़ाना। इससे अगले पन्ने पर चलते हैं, वहाँ भी एक कहावत दी गई है, और वो यहाँ पे कौन सी कहावत दी गई है, यहाँ पे कहावत दी गई है आओ देखा ना ताओ, बिना सोचे समझे कुछ करना, उसे कहा जाता है आओ देखा ना ताओ। तो ये भी क्या है, ये भी एक कहावत है। अगले पृष्ठ पे चलते हैं, अगले पृष्ठ पे भी एक कहावत है, और यहाँ पे कौन सी कहावत है, ये गायब हो गया, गायब होना, ओझल होना, गुम हो जाना, ये एक कहावत है। क्या है ये, एक कहावत है, इसको आप मुहावरे भी बोल सकते हो, मुहावरे भी कहा जाता है, बोल नहीं सकते कहा ही जाता है। इससे अगला है लास्ट वाले पे एक कहावत है जो यहाँ पे दी है, 9-2-11 होना, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। तो ये भी एक कहावत है। तो पूरे आपकी इस पाठ में 4 कहावतें दी गई हैं। पहला था अकल दौड़ाना, आंखें फैलाना, फिर गायब हो जाना आया था, एक में आया था आव देखा ना ताव, और अभी हमें मिलता है 9-2-11 हो जाना। तो आज के लिए इतना ही। इसी पाठ के जो पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नोत्तरी है उसको हम कल सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।